तो गाइस सबसे पहले लाइव प्रूफ देख लीजिए गाइस, इस वीडियो को अपलोड किया मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 3 घंटा 4 मिनट हुआ है। एकदम यूनिक मेथड से, एकदम यूनिक ट्रिक से लाइव प्रूफ देख पा रहा हूँ गाइस। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गाइस, यहाँ पे 3 घंटा 4 मिनट हुआ है गाइस और 5.3K व्यू जो है ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। पूरा का पूरा लाइव प्रूफ देख पा रहा होंगे। बहुत सारे लोगों को एडिटिंग और फेक लगेगा, नो प्रॉब्लम। मैं पूरा का पूरा इस वीडियो का एनालिटिक्स ओपन करके दिखा दे रहा हूँ कि किस प्रकार से ये जो वीडियो है वायरल हुआ है गाइस, और इस प्रकार से दिमाग लगा के आप भी अपने वीडियो को वायरल कर पाएंगे। और गाइस आप लोग काफी परेशान हो चुके हो अपने वीडियो को डाल डाल के, तो गाइस सिर्फ इस मेथड को एक बार ट्राई कर लो जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। क्योंकि गाइस अभी तक जितना भी वीडियो आप अपलोड किए होंगे उस पे 3-4-5-6 या फिर 10-15 व्यू जाके रुक जा रही होगी, ठीक है। तो गाइस अगर आपके भी चैनल पर 10-15-16-100-200 व्यू जाके ऐसे रुक जा रही है, तो भाई ये वाला टेक्निक को आजमाओ। अगर आपका वीडियो जो है वायरल नहीं हुआ या फिर आपके वीडियो पर व्यूज नहीं बढ़ा, तो फिर मेरे को बोलना। क्योंकि गाइस जब भी आप वीडियो अपलोड करोगे और बूस्ट नहीं मारोगे, तो भाई आपके वीडियो पर व्यूज नहीं होगा या फिर आपके वीडियो वायरल नहीं होगा, ठीक। तो गाइस ये जो वीडियो वायरल हुआ है गाइस सिर्फ और सिर्फ वीडियो को बूस्ट मारने का सही तरीका के मदद से हुआ है। अगर आप वीडियो को अपलोड करके ऐसे छोड़ दोगे 1 महीना 2 महीना 3 महीना या फिर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा ऐसे छोड़ दोगे, तो भाई आपको मैं लिख के दे रहा हूं कि आप जितना भी ताकत लगाना है लगा लो, आपके वीडियो वायरल नहीं होगा, ठीक है। जितना ताकत लगाना है लगा लो, जब तक बूस्ट नहीं मारोगे उसको, इंप्रेशन को हाई नहीं करोगे, तब तक आपका वीडियो जो है वायरल नहीं होगा। तो गाइस आज के वीडियो में प्रॉपर इसी टॉपिक पर बताने वाला हूं कि कोई भी वीडियो को अपलोड करने के बाद 4-5-6 या फिर 10-15 व्यू जाके रुक जाती है, तो उसे कैसे बूस्ट मार के फिर से वायरल किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं गाइस लाइव प्रूफ देख पाऊंगे जिस पे गाइस 22 सब्सक्राइबर है, इस चैनल को मैंने उठा रखा है और इसी चैनल पे जस्ट नाउ मैं एक वीडियो को अभी जस्ट नाउ अपलोड करूंगा, देन उसके बाद सारा प्रोसेस बूस्ट भी मारूंगा, देन उसके बाद व्यूज को भी इंक्रीज करूंगा, ठीक है। वायरल होगा या फिर वायरल नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन बूस्ट जरूर मारेंगे कि किस प्रकार से बूस्ट दिया जाता है एक लॉन्ग वीडियो को अपलोड करने के बाद, देन उसके बाद वायरल होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए गाइस प्लस आइकन पर हम क्लिक करेंगे। ये जो प्लस आइकन है आपको अपलोड करने आता होगा, मुझे अच्छी तरह से पता है। मैं जल्दी से एक वीडियो को अपलोड कर दे रहा हूं ताकि आपका टाइम जो है वो बच सके और मैं जल्दी से अपना प्रोसेस जो है कर सकूं, ठीक है। तो गाइस लाइव देख पाऊंगे ये जो मेरा वीडियो है, ठीक है। अब इस वीडियो को मैं क्या कर लेता हूं, इस प्रकार से नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूं गाइस। क्लिक करने के बाद देन उसके बाद थंबनेल वगैरह जो भी चीज है आप सेट अच्छे से कर ले रहे होंगे, मुझे अच्छी तरह से पता है। तो सारा प्रोसेस ए टू जेड होने वाली है, ध्यान से हर स्टेप वाइज स्टेप को देखिएगा। अगर यहाँ पे वीडियो को स्किप कर देंगे तो फिर मेरे को मत बोलना दोस्त के सर हमारा वीडियो वायरल नहीं हुआ या फिर व्यूज 4 से 5 व्यूज जाके रुक जा रही है या फिर हमारे वीडियो पर व्यूज इंक्रीज ही नहीं हो रहा, फिर मेरे को बाद में नहीं बोलिएगा आप लोग, ठीक है। तो गाइस प्रोसेस ध्यान से देखिएगा। उसके लिए गाइस सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, तो गाइस आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अपलोड आपको अच्छी तरह से करने आता होगा मुझे पता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको अनलिस्टेड पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अनलिस्टेड पर क्लिक करके देन उसके बाद अपलोड कर देना है डायरेक्ट, ठीक है। आपका जो वीडियो है गाइस लाइव देख पा रहे, अपलोड होना शुरू हो चुकी है। सिम हम वीडियो पर क्लिक करेंगे तो लाइव देख पा रहे, हमारा जो वीडियो है यहाँ पे अपलोड होना शुरू हो चुकी है, ठीक है। अब गाइस वीडियो को अपलोड करने के बाद अब जो गाइस आगे का प्रोसेस होने वाली है, कैसे यहाँ पे बूस्ट करना है, कैसे एडिट करना है, सारा प्रोसेस ए टू जेड होने वाली है, ध्यान से देखिएगा। अगर आपका वीडियो वायरल नहीं हुआ तो फिर मेरे को बोलना कि सर हमारा वीडियो जो है वायरल नहीं हो रहा है, क्योंकि जो भी चीज मैं बताता हूँ विद प्रैक्टिकल बताता हूँ, लाइव करके दिखाता हूँ, तब जाके आप लोग को विश्वास होता है। तो गाइस फाइनली लाइव प्रूफ देख पा रहे हैं, हमारा जो वीडियो है यहाँ पे अपलोड हो चुकी है 2 फरवरी 2024 लाइव, आपके यहाँ के सामने प्रूफ देख पा रहे, जिसमें गाइस सिर्फ और सिर्फ 16 सेकंड का ये वीडियो है गाइस। अब यहाँ पे मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ, ठीक है। सेम टू सेम आपको उसी तरह से आपका वीडियो में अपना करना है, 100% आपका जो वीडियो है उस पर व्यूज बढ़ेंगे गाइस और वायरल भी हो गए, देखिए आप देखिए कैसे, ध्यान से देखिए, ठीक है। उसके लिए गाइस सिंपल सा हम इस पे 3 डॉट पे क्लिक कर देते हैं। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद शेयर वीडियो पर, सॉरी नहीं, यहाँ पे आपको एडिट वीडियो पर क्लिक कर देना है, ठीक है। एडिट वीडियो पर क्लिक करने के बाद देन उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको सारा प्रोसेस नहीं करना है, उसके लिए आपको YT स्टूडियो में जाना है, ठीक है। YT स्टूडियो में आपको क्लियर बुझाएगा, इसलिए मैं YT स्टूडियो में जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे YT स्टूडियो में आ चुके हैं गाइस, सेम टू सेम चैनल लाइव प्रूफ देख पा रहे, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद कंटेंट पर हम क्लिक कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कहेंगे कि कोई अलग चैनल पे अपलोड करके वायरल करके दिखा रहे हो, ठीक है। तो गाइस सामने आपके यहाँ के सामने प्रूफ दिखा रहे हैं जो भी चीज हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा गाइस, यहाँ पे आपको सारा प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। अब गाइस यहाँ पे करना क्या है, ये जो 3 डॉट है इस पे क्लिक कर देना है, देन उसके बाद वीडियो एडिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। एडिट वीडियो पर क्लिक करने के बाद देन उसके बाद गाइस यहाँ पे सिंपल से इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस इतना करने के बाद सिंपल से करना क्या है कि सबसे पहले आपको टाइटल पर फोकस करना है, ठीक है। जो भी टॉपिक पर आप वीडियो बनाते हैं सिंपल से आपको टाइटल पर फोकस करना है,
करना है, ठीक है। उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल सा ध्यान से देखिएगा, उसके लिए आपको YouTube पे चले जाना है। कहाँ जाना है, YouTube पे चले जाना है गाइस, ठीक है। YouTube पे जाने के बाद उसके बाद इस पे क्लिक कर देना है और जिस टॉपिक पर आप वीडियो बनाया है उसी टॉपिक को यहाँ पे सर्च कर देना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे गाइस पतरातू, ठीक है, पतरातू डैम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। पतरातू डैम, पतरातू वैली आ गया, ठीक है। मैं पतरातू डैम लिख दिया होंगे, सब पतरातू डैम के यहाँ पे जो वीडियो है, बहुत सारे वीडियो अलग अलग मिल जाएगा, लाइव प्रूफ देख पा रूंगे इस, बहुत सारे अलग अलग आपको वीडियो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्रूफ देख पा रूंगे इस, यहाँ पे 3 साल पहले 70,000 व्यूज, ठीक है। देन उसके बाद बहुत सारे अलग अलग आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आपको कहना क्या है, 2 साल पहले 3.9 लाख व्यूज है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपको कहना क्या है, कोई भी एक वीडियो को उठा लेना है, ठीक है। सिंपल सी इस वीडियो को मैं उठा लेता हूँ, और इस वीडियो को उठाने के बाद देन उसके बाद गाइस जो भी टॉपिक पर आप वीडियो बना रहे हो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप घूमने वाला बना दिए तो ऐसा ही, चाहे आप कोई टेक से रिलेटेड वीडियो बनाते हो, चाहे आप किचन से रिलेटेड वीडियो बनाते हो, चाहे आप यहाँ पे गेमिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते हो, कोई भी टॉपिक पर क्यों ना वीडियो बना रहे हो गाइस, सिंपल सा आपको सर्च करना है सेम टू सेम वही टॉपिक को, जिस टॉपिक पर आप वीडियो बना रहे हो उसी टॉपिक को आपको यूट्यूब में सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद जो भी ज्यादा व्यूज लेके आया है वीडियो, उसी वीडियो को आपको उठा लेना है। उठाने के बाद शेयर पर क्लिक कर देना है, शेयर पर क्लिक करने के बाद देन उसके बाद आपके पास सेप और सेप एक एप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है। एक एप्लीकेशन होना चाहिए गाइस। जो भी गाइस अभी आपको न्यू मेथड बताने वाला हूं, न्यू टेक्निक बताने वाला हूं, अभी तक यूट्यूब पर कोई भी नहीं बताया गया। सेप और सेप ये जो वर्क करता है गाइस, यहां पे डेस्कटॉप पर ही लोग कर पाते हैं, लेकिन गाइस मैं अभी आपको मोबाइल के थ्रू बता रहा हूं, इसलिए आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको करना क्या है, एक वाइट टूल नाम से एक आपको एप्लीकेशन मिलेगा, ठीक है। उस एप्लीकेशन को सिंपल से क्या करना है, ओपन कर लेना है गाइस, ठीक है। ओपन करने के बाद देन उसके बाद गाइस जो भी अभी आपको प्रोसेस बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। उसके लिए गाइस आपको यहां पे कीवर्ड मिलेगा, उसके बाद गाइस यहां पे कुछ टाइटल भी मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएंगे, सारा प्रोसेस मिल जाएगा। सबसे पहले गाइस आपको यहां पे कॉपी टाइटल का ऑप्शन मिलेगा, उस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पे क्लिक करिएगा तो गाइस यहां पे टाइटल जो है कॉपी हो चुकी है। अब गाइस यहां पे करना क्या है, अपने YT स्टूडियो में चले जाना है, ठीक है। आराम से आपको YT स्टूडियो में चले जाना है। YT स्टूडियो में जाने के बाद देन उसके बाद यहां पे कंटेंट पे क्लिक कर देना है, 3 डॉट पे क्लिक कर देना है, एडिट पे क्लिक कर देना है। अब एडिट पे क्लिक करने के बाद देन उसके बाद गाइस ये जो है आपको पूरा का पूरा यहां पे वो जो वहां पे कॉपी किए हैं उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद गाइस यहां पे आपको करना क्या है, ये जो ज्ञान की किरण है यहां पे आपको हटा देना है, ठीक है। अब गाइस हटाने के बाद देन उसके बाद गाइस यहां पे आपको अपना चैनल का नाम लिख देना है। क्या लिख देना है, अपना चैनल का नाम, जो भी आप अपने चैनल बनाए हैं उस चैनल के आपको नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एकदम नया चैनल है, उससे आपके वीडियो कहां रैंक करवाना है, बूस्ट मारना है हमें, ठीक है। अब इतना करने के बाद ध्यान से देखिएगा, अब इतना करने के बाद सिंपल से गाइस आपको करना क्या है, ये जो आपको टाइटल है सारा कॉपी करना है, देन उसके बाद फिर से आपको यहां पे डिस्क्रिप्शन में सेट कर देना है, ठीक है। सेट करने के बाद गाइस यहां पे सेव कर देना है। सेव करने के बाद देन उसके बाद फिर से आपको उसी सेम एप्लीकेशन पे जाना है, देन उसके बाद सेकंड में आपको डिस्क्रिप्शन को पूरी तरीके से कॉपी कर लेना है, ठीक है। अब इतना करने के बाद फिर से गाइस उसी सेम एप्लीकेशन में जाना है, 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद देन उसके बाद गाइस आपको यहां पे डिस्क्रिप्शन में जाना है, और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद देन उसके बाद गाइस आपको पूरा का पूरा क्या कर देना है, सेलेक्ट नहीं करना है, पूरा का पूरा आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, जितना भी डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे क्या किए हैं कि किए हैं, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे बहुत सारा जो है लिंक है, ठीक है। अब ये गाइस यहाँ पे लिंक, सारे लिंक को आपको क्या करना है, डिलीट कर देना है, पूरा का पूरा लिंक एक भी नहीं होना चाहिए आपके डिस्क्रिप्शन में किसी और का लिंक, ठीक है। इस प्रकार से गाइस पूरा का पूरा आपको यहाँ पे क्या करना है, डिलीट कर देना है। लाइव देख पा रूंगे मैं पूरा का पूरा 1 बाय 1 करके डिलीट करते चले जा रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस इस प्रकार से पूरा का पूरा आपको क्या करना है, डिलीट कर देना है। लाइव देख पा रूंगे डिलीट ऑलरेडी हो चुकी है। अब इतना करने के बाद देन उसके बाद गाइस यहाँ पे एक और यहाँ पे ज्ञान की किरण जो है आपको चैनल का नाम दिखेगा, इसको भाई छोड़ देना है, और यहाँ पे छोड़ने के बाद ये जो आपका चैनल है यहाँ पे भी आपको लिख देना है, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद जो भी चीज बताता हूँ गाइस एकदम प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, यहाँ पे गाइस थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसके लिए सॉरी, लेकिन गाइस जो भी चीज बताता हूँ प्रैक्टिकल बताता हूँ, जो भी यूट्यूब पे ज्यादा ज्यादा वर्क करती है वही चीज बता रहा हूँ, ठीक है। अब इतना करने के बाद सिंपल सा आपको सेव कर देना है गाइस। सेव करने के बाद देन उसके बाद गाइस फिर से इस एप्लीकेशन पे, अब वहां पे इतना सेव करने के बाद सिंपल से गाइस आपको फिर से उसी एप्लीकेशन पे आ जाना है। एप्लीकेशन पे आने के बाद देन उसके बाद आपको यहाँ पे कीवर्ड दिखेगा, ठीक है। कीवर्ड को मतलब यानी कि हम यहाँ पे सर्च कर लेना है, मतलब सेलेक्ट कर लेना है, और कॉपी सेलेक्टेड का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है। और इस पे क्लिक करने के बाद देन उसके बाद गाइस यहाँ पे फिर से जाना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद एडिट पे जाना है, ठीक है। एडिट पे जाने के बाद देन उसके बाद गाइस यहाँ पे टैग में चले जाना है। टैग में जाने के बाद यहाँ पे सिंपल सा इस प्रकार से कर देना है, और उसी प्रकार से जितना भी है गाइस आपको सेलेक्ट कर करके यहाँ पे इस प्रकार से सेलेक्ट कर करके गाइस यहाँ पे क्या करना है,
पेस्ट करते जाना है और यहाँ पे इस प्रकार से सेट करते चले जाना है, ठीक है। तो मैं पूरा का पूरा सेट करूंगा तो आपका टाइम बहुत लॉस हो जाएगा, इसलिए सारा चीज यहाँ पे शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। अब गाइस यहाँ पे कैटेगरी को आप चेंज कर लेना, जो भी चीज आपको लगता है कि यहाँ पे हमको डालना चाहिए कैटेगरी, तो गाइस उसके लिए आपको कैटेगरी यहाँ पे ट्रेवल एंड इवेंट या फिर गाइस यहाँ पीपल एंड ब्लॉग जो भी आपको रखना चाहिए आप बहुत इजिली से रख सकते हैं, ठीक है। तो पीपल एंड ब्लॉग में मैंने इसको सेट कर दिया गाइस, सेट करने के बाद मैं सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब गाइस सेव करने के बाद मेन काम यहीं से शुरू हो जाती है, हर स्टेप को ध्यान से देखिएगा। अब गाइस इतना करने के बाद सिंपल सा गाइस आपको करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करके देन उसके बाद एडिट पे क्लिक करना है, ठीक है। एडिट पे क्लिक करने के बाद देन उसके बाद गाइस यहाँ पे अनलिस्टेड पर है तो गाइस यहाँ पे आपको प्रीमियर कर देना है। क्या करना है, प्रीमियर, पब्लिक डायरेक्ट नहीं करना है, ठीक है, प्रीमियर करना है। लॉन्ग वीडियो को प्रीमियर करने से क्या होता है कि गाइस इसका इंप्रेशन जो है जहां 100 लोगों के पास भेजना चाहिए वहां पे 120 लोगों के पास भेजेगा, वहां पे 130 लोगों के पास भेजेगा, वहां पे 140 लोगों के पास भेजेगा, वहां पे 150 लोगों के पास भेजेगा, क्योंकि प्रीमियर जो होता है गाइस लाइव के समान चलने लगता है, जिससे आपकी जो रीच है, जिससे आपकी इंप्रेशन जो है बहुत ही हाई लोगों के पास भेजने लगता है, ठीक है। अब इतना करने के बाद शेड्यूल कर देते हैं, सेट एज प्रीमियर कर देते हैं, 2 फरवरी है, 2 फरवरी पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद 1:07, 8 मिनट हो चुकी है, मैं 1 पे क्लिक कर देता हूँ गाइस, 1 पे क्लिक करने के बाद देन उसके बाद पीएम पे क्लिक कर देता हूँ और गाइस यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या कर देते हैं सिंपल सा गाइस यहाँ पे 9 मिनट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है, 9 या 10 पर जितना भी क्लिक करना चाहे आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब गाइस प्रीमियर करने के बाद देन उसके बाद गाइस आपको छोड़ देना है, जैसे गाइस यहाँ पे 1:09 होगा देन उसके बाद आपका जो वीडियो है ऑटोमेटिक पब्लिक हो जाएगा गाइस। तो गाइस फाइनली लाइव प्रूफ देख पा रहा हूँ, 1:09 हो चुकी है, लाइव प्रूफ देख पा रहा हूँ, अब यहाँ पे इस वीडियो को पब्लिश जो है ऑटोमेटिक हो चुकी होगी। अब गाइस बूस्ट कैसे मारना है हर स्टेप को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उसके लिए गाइस सिंपल से मैं यूट्यूब पे चले जाता हूँ, यहाँ पे यूट्यूब पे आने के बाद देन उसके बाद ध्यान से देखिएगा जो भी चीज बता रही है, ये प्रैक्टिकल चीज है और इसी तरह से गाइस कोई भी वीडियो पर व्यूज आती है, इसी तरह से कोई भी वीडियो जो है वायरल होती है गाइस, जो भी चीज बताता हूं प्रैक्टिकल और लाइव करके दिखाता हूं। अब यहां पे आने के बाद देन उसके बाद सिंपल से इस पे क्लिक कर देना है, सर्च यहां पे क्लिक करने के बाद देन उसके बाद यहां पे पतरातु लिख देते हैं गाइस, ठीक है, पतरातु लिख देते हैं, देन उसके बाद वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है, पतरातु वैल्यू लिख देते हैं। अब इसको हम जैसे क्लिक करेंगे तो भाई हमारा जो वीडियो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, लाइव प्रूफ देख पा रहे अभी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको 2, 3, 4, 5, 6 पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, नहीं दिख रहा है नो प्रॉब्लम। अब गाइस यहां पे 3 डॉट पे क्लिक कर देना है आपको, ठीक है, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद देन उसके बाद आपको सर्च फिल्टर दिखेगा, ठीक है, सर्च फिल्टर पे क्लिक करने के बाद देन उसके बाद टाइप दिखेगा, अपलोड डेट दिखेगा, ड्यूरेशन दिखेगा, शॉर्ट बाय दिखेगा, ठीक है। अब गाइस यहां पे अपलोड डेट का ऑप्शन जो दिख रहा है इस पे क्लिक कर देना है, एनी टाइम जो है आपको लास्ट आवर पे क्लिक कर देना है, अप्लाई कर देना है, ठीक है। अप्लाई जैसे करेगा तो गाइस आपका जो वीडियो है लाइव आपके आंख के सामने प्रूफ देख पा रहे फर्स्ट ऑफर में ही आने लग रहा है, ठीक है, लाइव आपके आंख के सामने प्रूफ देख पा रहे फर्स्ट ऑफर में ही आने लगा। आप गाइस यहां पे क्या करना है, इस पे क्लिक करके देन उसके बाद गाइस आपको चलाना है, ठीक है, 5 से 10 अलग अलग ईमेल आईडी आपको रख लेना है, 5 से 10 अलग अलग ईमेल आईडी से आपको इसी प्रकार से कर करके आपको क्या करना है चलाना है गाइस, ठीक है, इसी प्रकार से कर करके आपको चलाना है। लाइव देख पा रहे एक अभी पीपल जो है इस पे वॉच कर रहा है, देख रहा है, ठीक है। अब गाइस यहां पे लाइव देख पा रहे इस प्रकार से हो गया, ठीक है। अब गाइस इसको सिंपल से इस प्रकार से लाइक मार देना है, ठीक है, लाइक भी मार देना है, वॉचिंग भी एक आ रहा है क्योंकि गाइस यहां पे 22 सब्सक्राइबर है तो इस पे कोई भी एक्टिव नहीं है सब्सक्राइबर, सारा का सारा डेट यहां पे सब्सक्राइबर है इसलिए कोई भी वॉच नहीं कर रहा है, ठीक है। अब गाइस इतना करने के बाद गाइस यहां पे सिंपल सा आपको फुल वॉच कर देना है, ठीक है, वॉच करने के बाद देन उसके बाद गाइस इसी तरह से आपको यहां पे क्या करना है, सर्च कर करके हर घंटे बाद आपको चलाना है, ठीक है, हर घंटे एक बार आपको चलाना है, हर 1 घंटे के बाद आपको एक बार सर्च करके चलाना है, हर 1 घंटे के बाद आपको इसी प्रकार से सर्च करके चलाना है, हर 1 घंटे बाद आपको इसी प्रकार से सर्च करके चलाना है, ठीक है। अब इतना करने के बाद सिंपल सा आप अब इतना हो गया, ठीक है, अब इतना हो गया गाइस, अब इतना एक मेथड आपको समझ में आ गया कि सर्च करके चलाना है, इस प्रकार से बूस्ट माना है। अब सेकंड बूस्ट क्या माना है, उसके लिए आपको यहां पे जितने भी आपके पास ईमेल आईडी है, अलग अलग ईमेल आईडी है, वो सारे ईमेल आईडी से उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जो भी गाइस चैनल पे आप यहां पे वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। इतना करने के बाद सिंपल से आपको करना क्या है, सब्सक्रिप्शन मेथड में चले जाना है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन मेथड में जैसे ही जाओगे तो गाइस आपको जो वीडियो है, वो जो वीडियो आप अपलोड किए हो, वो वीडियो जो है गाइस कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं 100% देखने को मिलेगा अगर आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे होंगे, ठीक है, ठीक है। तो गाइस इतना करने के बाद यहां पे सिंपल सा व्यू चैनल पे चल जाते हैं, तो गाइस इस पे नहीं है, ठीक है। अब गाइस उस चैनल को मैंने सब्सक्राइब ही नहीं करके रखा है, इसलिए गाइस यहां पे सब्सक्रिप्शन मेथड में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब गाइस इसी प्रकार से आपको उस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करके रखना है, सब्सक्राइब करके रखिएगा तभी जाके वो जो वीडियो है आपको गाइस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। अब गाइस यहां पे लास्ट आवर पे क्लिक
कर देते हैं, ऑल कर देते हैं, तभी जाके हमारा जो वीडियो है फिर से आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से गाइस यहाँ पे कर करके क्लिक करके देन उसके बाद आपको वॉच करना है, हर एक घंटे, दो घंटे, तीन घंटे, चार घंटे पर आपको इसी तरह से सर्च कर करके चलाना है। गाइस मैं आपको लिख के दे रहा हूँ गाइस, आपका पहला या फिर दूसरा या फिर तीसरा या फिर चौथा या फिर पांचवा वीडियो जो है 100% वायरल होगा ही होगा, बशर्ते आपके वीडियो में ताकत होना चाहिए, क्योंकि गाइस सारा का सारा जो खेल है ऑडियंस रिटेंशन का है। अगर ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस रिटेंशन और आपका थंबनेल एकदम पूरा अट्रैक्टिव रह गया तो भाई आपका वीडियो पर व्यूज बढ़ना शुरू हो जाएगी, देन उसके बाद आपका वीडियो जो है वायरल हो जाएगा। तो गाइस जो भी चीज अभी आपको बताया हूं गाइस वो चीज को फॉलो करो अपने चैनल पर। आपके चैनल पर व्यूज नहीं बढ़ा तो फिर मेरे को बोलना कि सर हमारे चैनल पर व्यूज नहीं बढ़ा, ठीक है। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल भी लगी होगी। इसी तरह का फ्यूचर में और यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू दोस्त।